थोड़ा सा इधर दिखाएं, यहाँ पे पैकिंग हो रहा है। सीधे आप देख सकते हैं ये इस तरह के तेल आप मार्केट में देखा होगा आपने, पैकेट वाला। और ये इतना मजबूत है कि इन्होंने इस पे चढ़ के दिखाया कि भाई ये फटने वाला नहीं है। लोग सरसों तेल बनाते हैं, प्योर सरसों तेल बनाते हैं और उसको पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। कितना प्रोडक्शन इससे हो जाता है? 600 लीटर निकल जाता है। कितना देर में? 600 लीटर 8 घंटे में। 8 घंटे में 600 लीटर जी, बहुत हुआ जी। और इससे फिल्टर होके तेल स्टोरेज टैंक में चला जाता है और इससे फुल्ली ऑटोमेटिक जी, फुल्ली ऑटोमेटिक है। मुझे कुछ नहीं करना, जो है तेल लेने का काम कर रही जी। है और इस पाइप से होते हुए इधर दिखा दो थोड़ा सा, ये कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक एक लीटर सील हो जा रही है जी। कारण वेट वेरिएशन कर लेता है तो वो चेक करता है। 1 लीटर है? हाँ 1 लीटर। कार्टून में इस तरह से पैक करके जी, इसी कार्टून में पैक करके जाएगा। कितना पर डे आपका सेल है यहाँ पे? अभी 300 से 400 लीटर पर डे का सेल। पर डे 300 से 400 लीटर, छोटी सी फैक्ट्री से। और ये मशीनें कितने की आती है? ये आपको 2.5 लाख की एक मशीन आती है। ये कैसे सोचा है कि इस तरह की फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए आपको इस गांव में? मैं ये सब भी सेल करते होंगे क्या? हाँ, ये फिर मैं वहीं भेज देता हूँ, सरसों आता है उसी गाड़ी में भेज देता हूँ। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाए हुए हैं, महीने का कमा कितना लेते हैं? कितना बैंक से लिया आपने? मैंने लिया था 25 लाख रुपए लिया था। सब्सिडी वगैरह है उसमें? हाँ, PMEGP से लिया। अच्छा, PMEGP से लिया था। कितना सब्सिडी? 35% जी, 35%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको एक फिर से नया बिजनेस आइडिया दिखाने वाला हूं, आपको एक नई फैक्ट्री का टूर कराने वाला हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पार्थवी बोर्ड लगा हुआ है, पार्थवी ब्रांड का यहां पे सरसों तेल पैकिंग होता है, यहाँ पे बनाया जाता है, पार्थवी नाम से इनका ब्रांड है। और पूरा डिटेल बात करेंगे कैसे इस तरह की आप फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, कैसे इनसे होलसेल में माल ले सकते हैं और कितनी लागत आती है, क्या मुनाफा होता है। पूरा डिटेल मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कैसे लघु उद्योग लगा के इस तरह की छोटी सी फैक्ट्री शुरू करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हमारे साथ अभिषेक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये फैक्ट्री ऑनर हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आपका पार्थवी ब्रांड है, क्या क्या इसके अंदर बनाते हैं हम लोग, किस तरह के पैकिंग? अभी तो केवल हम लोग सरसों तेल बनाते हैं, प्योर सरसों तेल बनाते हैं और उसको पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। पार्थवी ब्रांड का नाम कुछ यूनिक नाम है आपका, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है? नहीं, ऐसा ही, मतलब नॉर्मल नाम, सब हर एक कंपनियों का नाम नॉर्मल ही है सब। मतलब किसी के नाम पे रखा आपने कि ऐसे ही? ऐसे ही, मतलब कुछ सोच के रखा है। अच्छा, निक नेम किसी और का है? किसका? लक्ष्मी जी और सीता जी का निक नेम है। अच्छा, मतलब पार्थवी भी बोला जाता है। अच्छा, देवी माता, मतलब सीता माता या लक्ष्मी जी का किसी का ये निक नेम है? निक नेम है, इस नाम से इसको रखा आपने पार्थवी। बड़ा अच्छा नाम है, छोटा सा, मुझे लगा कि भाई ये यूनिक नाम है। थोड़ा सा इधर दिखाएं, यहाँ पे पैकिंग हो रहा है। सीधे आप देख सकते हैं ये इस तरह के तेल आप मार्केट में देखा होगा आपने, पैकेट वाला। और ये इतना मजबूत है कि इन्होंने इस पे चढ़ के दिखाया कि भाई ये फटने वाला नहीं है। कितना भी तेजी से फेंक दीजिए, पैकिंग कितना भी दूर भेजना हो, ये फटने वाला नहीं है। तो ये शुरू से प्रोसेस दिखाते हैं, थोड़ा शुरू से आ जाएं, इधर आ जाएं मनीष जी। कैसे शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से इसका मतलब सरसों तेल सरसों खेत से आता है, कहाँ से रॉ मटेरियल आते हैं आप? लोकल में ही मिल जाता है? नहीं, देखिए स्टार्टिंग में लोकल से लिए, लेकिन लोकल के सरसों में उतना अच्छा तेल निकल नहीं पाता, मिट्टी ज़्यादा आता है। हाँ। तो स्टार्टिंग में 2-4 बार लिए तो मुझे बहुत मतलब लॉस लगने लगा। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये मैं मुरैना से लाता हूँ। मुरैना? हाँ, MP से। अच्छा, MP से जी। वहाँ मतलब रेट वगैरह सही मिल जाता है? रेट सही मिल जाता है, जो मतलब वहाँ जिस तरह का सरसों है उस तरह दाम लगेगा। जैसे कोई भी फैक्ट्री रॉ मटेरियल पे निर्भर होती है, रॉ मटेरियल अगर आपको आसानी से मिल जाती है तो आप फैक्ट्री आसानी से चला सकते हैं। और अगर आप ये फैक्ट्री गोपालगंज बिहार में लगा हुआ है और ये प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल ले आ रहे हैं MP से, लाने में कॉस्टिंग भी पड़ता होगा, ये इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये। मतलब अब महसूस हो रहा है कि जहाँ रॉ मटेरियल मिले वहीं फैक्ट्री लगाया जाए तो थोड़ा सा इजी रहता है। तो मतलब इधर आपका वो रेट जो यहाँ का रेट मिलता है वो MP से मिलता है? वो रेट यहाँ के रेट मिलते हैं MP से, लेकिन यहाँ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लोग मिट्टी डाल देते हैं उसमें, पुराना सरा हुआ भी सरसों मिला देते हैं। मतलब यहाँ की अपेक्षा वहाँ से मंगाना भले कॉस्टिंग लगे, वो आपको फायदेमंद है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल हो गया, MP से आता है और लोकल्स भी आप लोग ले सकते हैं, लोकल भी लेते हैं, काम कर सकते हैं उसमें भी, आप चेक करके लेते हैं। हाँ। स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं था तो चेक नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो ले आए उसको? हाँ। धुलाई उलाई भी कुछ करते हैं? नहीं, वो वहाँ से आता है वो साफ रहता है, लोकल लेते हैं तो गंदा रहता है, क्योंकि वो बड़े बड़े मशीन से उसको क्रश किए रहते हैं, सब दौड़ी करके, जो जैसे हम लोग धान करते हैं गेहूँ, वैसे ही वो लोग सरसों का करते हैं, तो वो साफ रहता है, मिट्टी नहीं होती है। जाना पड़ता है या आप तो फोन से? नहीं, जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि
मैं नहीं जाऊँ तो वो कोई घटिया क्वालिटी भी दे देंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगा, तो वो देखना एक बार में कितना ले आते हैं वो, ट्रक से लाते होंगे? हाँ, 10 टन ले आते हैं। 10 टन जी, मैंने एक ट्रक, हाँ छोटी वाली ट्रक से ले आते हैं। एक ट्रक हो जाता है, कितना लगभग उसमें पूंजी लगता है? कोई 6-7 लाख रुपए, 6-7 लाख का एक बार मटेरियल लेके आते हैं। तब जाके अगर एक थोड़ा बहुत लेंगे ट्रांसपोर्ट से मंगाएंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होने, कोई फायदा नहीं। अच्छा, उसके बाद आता है इस मशीन पे लेके आते हैं, कैसे इसमें काम होता है? अब इसमें सरसों डालते हैं और जरूरत के अनुसार इसमें पानी हल्का सा, आई थिंक मुझे लगता है कि 15 किलो सरसों में मुश्किल से 50-70, मतलब सरसों के उस पे नमी पे डिपेंड करता है। हम नमी मशीन भी रखे हैं, मॉइस्चर मशीन, चेक कर लेते हैं कि हाँ इसमें पानी की जरूरत है या नहीं है, मतलब फुवारा देते हैं, फुवारा देते हैं नमी के लिए, नमी के लिए, क्योंकि अगर ऐसे सूखे निकाले तो भी तेल नहीं निकलेगा, ज्यादा हो जाएगा तो भी तेल नहीं निकलेगा, और पानी तो तेल में रहेगा भी नहीं, वो नहीं, तो तेल वो में तो वो खली में निकल जाता है, खली में निकल जाता है। इधर मुश्किल से 15 किलो में 50-70 ग्राम पानी लगता है। तो ये दो मशीन आप रखे हुए हैं, कितना प्रोडक्शन इससे हो जाता है? 600 लीटर निकल जाता है। कितना देर में 600 लीटर? 8 घंटे में। 8 घंटे में 600 लीटर? जी, बहुत हुआ जी। ये एक मशीन से या दोनों मशीन से? दोनों मशीन से, दो माने 300 मतलब 100 केजी पर आवर का वो क्रशिंग कैपेसिटी है। 100 केजी पर आवर, यानी 250-500 निकल जाता है 8 घंटे में तेल निकलता है जी। बहुत हो गया, अगर दिन 8 घंटे चलाएंगे तो ये काफी है। 600 लीटर बेच रहे हैं, बहुत बहुत हुआ। उसके बाद इसमें जमा होता है जी, ये स्टोर है जी, ये जो गंदा तेल है उसी में चला जाता है। मतलब जो सरसों जैसे तैसे खेत से जो भी आया इसमें उसका तेल आ गया, इसमें कुछ गंदगी भी होगा जी, गंदगी। उसके बाद कैसे फिल्टर होता है ये? और इस पाइप के द्वारा इस पंप से उठा के इस फिल्टर मशीन में ले आते हैं। अच्छा, ये फिल्टर मशीन जी, इसमें लेयर होगा जी, 18 प्लेट का फिल्टर लेयर इसमें, ये देख सकते हैं, और इससे फिल्टर होके तेल स्टोरेज टैंक में चला जाता है। इसको इसलिए ढक के रखें कि बगल में खिड़की है, थोड़ा सा भी पानी जाएगा बरसात का मौसम इसलिए ढके हुए तो उसमें तेल खराब हो जाएगा। तो इससे फिल्टर होके मतलब जो डस्ट होगा, मिट्टी होगा, पानी होगा, वो सब वहाँ फिल्टर वही रह जाता है। उसके बाद पाइप से आ गया यहाँ जी, इससे स्टोरेज में, हाँ ये नीचे रखे हैं ताकि वो मशीन के उससे जाए डाउन रहे। तो इसमें जो है शुद्ध तेल है जी, एकदम प्योर, प्योर बिल्कुल, मतलब एकदम क्लीन है जी। ये और इस मोटर से उठा के फिर इसमें इस मोटर से उसको ऊपर ले आते हैं जी, इस मशीन में रख देते हैं, इसमें रख दिए, यहाँ दिखा हुआ। और फिर इस ये पाउच पैकिंग मशीन है हाँ, और इससे पैक फुल्ली ऑटोमेटिक जी, फुल्ली ऑटोमेटिक है, मुझे कुछ नहीं। मोटर जो है तेल लेने का काम कर रही है, तेल अंदर लेके इस मशीन को दे रही है इस पाइप से, इस पाइप से, और इस पाइप से होते हुए इधर दिखा दो थोड़ा सा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक, पीछे रोल लगा हुआ है और अंदर से कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक एक लीटर यहाँ पे सील हो जा रही है जी। ये इतना हेवी पैकिंग है ना कि इस पे चढ़ के आपने दिखाया था कि भाई ये फटेगा नहीं। तो ये हो गया। और किस तरह के पैकिंग करते हैं आप? बस और डिमांड अगर मतलब अपने यहाँ गोपालगंज में क्या है कि केवल पाउच का डिमांड ज्यादा है, ज्यादा बोतल में डिमांड बहुत कम है। तो किसी का डिमांड होता है तो मैं उसको आधा लीटर और 1 लीटर बोतल में भी पैक करके उस छोटी मशीन से प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, वो पैकिंग वाला ये जी। अच्छा, ये पैक हो रहा तो सबका वेट कर रहे हैं वहाँ पे जी, दिखा उधर थोड़ा सा, सबका वेट कर रहे हैं। ये कितना ग्राम रहता है? ये वेट मशीन चेक करते हैं कि हल्का सा भी एयर के कारण वेट वेरिएशन कर लेता है तो वो चेक करते हैं। 1 लीटर है? हाँ, 1 लीटर, 1 लीटर का पैकेट है। बोतल वाला भी पैक करते हैं और इस तरह से कार्टून में, ये इस तरह से पैक करके भेजते जी, इसी कार्टून में पैक करके जाएगा। कहाँ कहाँ माल बेचते हैं आप? मोहम्मदपुर जाता है, बथुआ बाजार गोपालगंज शहर में जाता है और मोतिहारी एक जगह जाता है। कितना पर डे आपका सेल है यहाँ पे? अभी 300-400 लीटर पर डे का, पर डे 300-400 लीटर, एक छोटी सी फैक्ट्री से जी। बहुत अच्छा है ये, हाँ 300 लीटर। ये सुदूर गांव में बहुत दूर है, एक अलग सा साइड से, गोपालगंज से थोड़ा सा हटके आपने लगाया हुआ है। कितना इन्वेस्ट किया टोटल आपने इसमें? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये यहाँ कुछ नहीं था, 6 फीट गड्ढा था, वो मिट्टी भरवाना, लाइट नहीं था, लाइट के लिए तार पुल अपने से खरीद के ले आए हैं, ट्रांसफार्मर सब अपने किए हुए हैं, तो ओवरऑल 45 लाख रुपीज़ लग 45 लाख। और ये मशीनें कितने की आती है? ये आपको 2.5 लाख की एक मशीनें आती हैं, उसके बाद मोटर है, हाँ मोटर है, उसके बाद से इसके बेल्ट है, मतलब सारा बिजली पे काम हो रहा है, डीजल इंजन कहीं भी नहीं, कहीं यूज़ नहीं। ये मोटर दिखाओ, इस मोटर से सारा काम, दोनों मशीनें चलती है? हाँ, दोनों के लिए अलग 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 मोटर है। तो ये 2.5 लाख की ये मशीन हो गई। फिल्टर कितने की आती है लगभग? 1,45,000 की। अच्छा, ये पैकिंग मशीन कितने की आती है? 3.5 लाख की। 3.5 लाख जी। इन्वेस्टमेंट मशीनों में यही है? हाँ, और कोई मशीन की जरूरत? अच्छा, इसका बिजली कनेक्शन आपने अलग से लिया है जी,
कितना बिजली बिल आ जाता है जब अगर इतना बनाते हैं आप पर डे? तो नियर अबाउट 7,000 आता है। 7,000 के आसपास, क्योंकि इसमें डीजल तो इससे ज्यादा आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा आएगा। डीजल से तो मतलब बर्बाद हो जाना पड़ेगा। कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया हुआ? देखिए, दो लोग हैं, वो लोग आते हैं मतलब रात को, रात को कहीं और भी काम करते हैं, मशीन चलाते हैं बड़ौदी में। वो लोग आते हैं रात को, मेरा मशीन चला के तेल इकट्ठा कर देते हैं फिर और चले जाते हैं। फिर मैं उसको पैक करके, पैक तो अपने से कर लेता हूँ, मुझे आता है उसको पैक मशीन चलाना। अच्छा, तो वो मैं अपने से करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। एक बार अपना परिचय दीजिए, इसके अलावा मैंने कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा अभिषेक कुमार पटेल हुआ, मैं छमही खास, गांव छमही खास, जिला गोपालगंज का हूँ। अच्छा, ये कैसे सोचा है कि इस तरह की फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए आपको इस गांव में? मेरा ऑलरेडी एक शीशे का बिजनेस है, तो वो सही चल रहा है। तो एक ही बिजनेस में 10 लोग और पूरी फैमिली डिपेंड है, इसलिए मैं सोचा कि कुछ और स्टार्ट किया जाए, करना चाहिए। तो ये इसी बिजनेस के ऊपर क्यों फोकस आया? देखिए, फोकस आया कि ये मतलब हर एक महीना, हर एक दिन 2400 घंटे मतलब यूज होने वाला है, हर घर में यूज, हर घर में यूज होना है। और अपने यहाँ मतलब 95% बाहर से ही, सरसों बाहर की कंपनियों का लोग तेल यूज करते हैं। और बाहर की जितनी भी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 99% श्योर है कि वो लोग मिक्स करके दे रहे हैं। इसमें क्या आपका कुछ भी मिक्स नहीं है? कुछ भी मिक्स नहीं है, मैं मतलब सरसों का तेल है, झाग कर दिया। महक आए, झाग आए, ना आए, मुझे कुछ मतलब नहीं है। ना इसमें फ्लेवर भी डालता हूँ कि हाँ सर, बहुत कंपनी है सरसों का झाग लाने के लिए फ्लेवर डालती है, एसेंस डालती है, जैसे आइसक्रीम में हम लोग खाते हैं, वो भी मैं यूज नहीं करता हूँ। एक ड्रॉप भी मिक्स नहीं है। मैंने इस पर लिखा हुआ 100% प्योर मस्टर्ड ऑयल, कोई भी कंपनी ये नहीं लिखती। ये कच्ची घानी तो नहीं हुआ ये? नहीं, देखिए, कच्ची घानी कोई भी कंपनी नहीं बनाती है, जितना हम लोग बाजार में खा रहे हैं कुछ भी। किसको बोलते हैं कच्ची घानी? पहले जमाने में जो लकड़ी से पेराई होता था, कोल्हू से जो पेराई होता था, देखिए वो नॉर्मल 4 से 5 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलेगा। 4 से 5 किलो सरसों का दाम अभी के दाम बाजार के हिसाब से लगाए तो 300 से 250 से 300 रुपए हुए। 300 रुपए लीटर तेल खाने वाले कौन है? मुश्किल से 5% पूरे बिहार में 2% खाने वाले हैं। और जितनी भी कंपनियां हैं वो दिखाने के लिए लगा लेती हैं, उनसे तेल नहीं निकालते हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं कि कोल्हू भी लगा लिया है और लोहे वाली भी मशीन लगा ली है। तो अगर वो कच्ची घानी बना रहा है तो उनके यहाँ लोहे वाली मशीन क्या कर रही है? अच्छा, हाँ, लोहे वाली मशीन क्या कर रही है? बहुत बड़े अभिनेता से मैं मिला था, तो उनको मैं दिखाया अपना वीडियो, फैक्ट्री का वीडियो दिखाया, तेल भी दिया। उतने बड़े अभिनेता है लेकिन उनको भी मालूम है कि 200-150 रुपए लीटर में आपको कच्ची घानी प्योर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो 500 रुपए लीटर कच्ची घानी खाते हैं। मुझसे बताएं कि 500 रुपए लेता हूँ, तो मैं बोला कि हाँ वो प्योर कच्ची घानी हुआ। कच्ची घानी मतलब नुकसान होता है ज्यादा बनाने में, और वो कहीं ना कहीं कस्टमर पे ही जाएगा, कस्टमर पे जाएगा। मैं उसको क्या करूंगा, कम तेल निकलता है, 20% जाता था, 17 से 20% के बीच में तेल निकलता। पक्की घानी कच्ची घानी में अंतर क्या होता है? पक्की घानी नुकसानदायक होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, पक्की इस मशीनों में तेल निकलता है, हीट होके निकलता है, हल्का हीट हो जाता है। कोई भी मशीन है, कुछ भी हम लोग यूज करें, बाइक, गाड़ी, कुछ भी कार, तो चलते चलते वो थोड़ा हीट हो जाता है, तो वही हीट होता है। पक्की घानी लोग होता है, और कच्ची घानी एकदम ठंडा निकलता है। ठंडा निकलता है, वो लकड़ी से प्रेस होता है, उसमें कम निकलता है, कम निकलता है, लॉस ज्यादा, लॉस जाता है कोई भी कंपनी। अच्छा, इसमें ये सब भी सेल करते होंगे क्या? हाँ, ये फिर मैं वही भेज देता हूँ, सरसों आता है उसी गाड़ी पे मैं भेज देता हूँ। इसका क्या क्या रिटर्न क्या मिलता है आपको? यहाँ जो भी प्राइस मिलता है उनसे 2 रुपए ज्यादा वहाँ मिलता है। अच्छा, तो ये बेनिफिट हो जाता है। ओवरऑल यहाँ पे फैक्ट्री लगा के कितना कमा लेते हैं? क्योंकि हमारे सारे व्यूअर का सवाल यही होता है, कितना मेहनत कर रहे हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाए हुए हैं, महीने का कमा कितना लेते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बचने वाला, 2-3 साल आपको मतलब बहुत मेहनत करना होता है, लोगों को यकीन दिलाना होता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छा, बड़ी कंपनियों के टक्कर में आप जाएंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं समझौता आपको करना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़िया रखना होगा, प्राइस से समझौता करना होगा, लोग लोगों को टक्कर दे पाएंगे। मेरा सामान क्यों खाएं, लोगों को क्यों खाएं, और 5 रुपए आपका महंगा है क्यों खाएं, ये जाके मैटर करता है। तो हम प्योर दे रहे हैं, दूसरी कंपनियों से मतलब एकदम गारंटी के साथ है कि मेरा प्योर है, तो वही 5 रुपए महंगा जाता है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके यहाँ से तेल एक लीटर वाला कितना में जाता है? मेरे यहाँ से 130 रुपए जाता है होलसेल। जी, होलसेल। और रिटेल में कितना बिकता होगा? 35-40। हाँ, 35-40। और आपने बताया नहीं कितना बना लेते हैं पैसा महीने का इस फैक्ट्री से? 3-4 रुपए 5 रुपए लीटर कमा लेता हूँ। अब जितना बेच लिया, 300 बेच लिया, 400 बेच लिया, 600 बेच लिया, वो महीने का एक शुद्ध बचत कितना हो जाता है आपका? अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मेरा ईएमआई पे पैसा जाता है, उसके बाद मुझे
20-25 हजार रुपया अभी बच जा रहा है। बहुत कम हुआ जी, अभी अभी तो थोड़ा सा ईएमआई पे चला जा रहा है पैसा। मुझे लगता है 6-8 महीने में मेरा मतलब ईएमआई खत्म हो जाएगा, तो वो ईएमआई कितना देते हैं? 25 हजार रुपया देता हूँ। अच्छा, और सब स्टाफ देने के बाद, बिजली बिल देने के बाद मुझे मतलब 25-30 हजार रुपया बच जाता है। तो वो जब ईएमआई खत्म हो जाएगा तो प्रॉफिट। कितना बैंक से लिया आपने? मैंने लिया था 25 लाख रुपया लिया था। सब्सिडी वगैरह है उसमें? हाँ, पीएमईजीपी से लिया। अच्छा, पीएमईजीपी से लिया था। कितना सब्सिडी? 35% जी, 35% मिला। काफी अच्छा। ये पीएमईजीपी योजना हर राज्य में चल रहा है? हाँ, पूरे देश में प्रधानमंत्री योजना है। कोई भी लघु उद्योग लगाने के लिए आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपया आप प्रोजेक्ट के हिसाब से, अब तो शायद उससे बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है शायद, अभी का अपडेट नहीं पता मुझे। तो आप उसमें 35% सब्सिडी है, कोई जाति बिरादरी उसमें कोई मायने नहीं रखता, सभी को, जो लोग भी काम करना चाहते हैं वो अप्लाई करके बैंक से मदद ले सकते हैं। कितना इंटरेस्ट है उसमें? नॉर्मल अभी तो 9% लग रहा है ईयरली। 9% जी, बाकी सब्सिडी का आप लाभ ले सकते हैं जी। और एक बहुत अच्छी मदद है, जब आपको कैपिटल मिल जाता है फैक्ट्री चलाने में तो आपको आसानी होता है, जब पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है, सब्सिडी के तौर पे मिल रहा है, तो आप बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी आप लगा सकते हैं। और आगे फ्यूचर प्लान क्या है इसको लेके आपका? लेकिन अभी इसी को मतलब थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं इसमें आटा, सॉरी, बेसन, चने का सत्तू, ये सब भी मतलब ले आऊंगा 2-3 साल में, जब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ कि पार्थिवी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो लोगों को विश्वास जब दिला दूंगा तो उसके बाद अपना दूसरा प्रोडक्ट भी ले आऊंगा। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके जी। और सबसे अच्छा ये लगा कि ये हमारे गोपालगंज का ब्रांड है, हमारा लोकल बिहार का। विश्वास दिलाना मतलब बहुत टफ चीज है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, इस पैकेट को, हो ना हो आपके आसपास की कहीं दुकानों में मिल रहा हो तो आप पूरे विश्वास के साथ इसको यूज कर सकते हैं कि भाई ये अपने लोकल ब्रांड है और एकदम प्योर है। प्योर है और कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं, और इसको अच्छे से आप बढ़िया विश्वास के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि सरसों तेलों में काफी सारी मिलावट आ रही है और बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के लिए लोग मिलावट करता है, प्राइस को कम करने के लिए कम करने करता है। लेकिन मैं प्राइस कम नहीं करता हूँ, मेरा पास जो कॉस्टिंग आया वही लूंगा, लेकिन प्योर दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा फैक्ट्री दिखाने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।